कि अगर भारत के बाहर यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश या किसी भी इस्लामिक कंट्री में हिंदुओं के साथ कुछ हुआ तो जो सो कॉल्ड तुम्हारे लोग हैं जो उमा की कनेक्टिविटी से तुम्हारे टच में रहते हैं उनके साथ भी वो होने की संभावना है जो तुम करोगे हमारे लोगों के साथ वहां पे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष राय और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर भारत। आज हम लोग भारत की बात नहीं करने वाले हैं, आज हम लोग भारतीयों की बात करने वाले हैं, आज हम लोग उन लोगों की बात करने वाले हैं जो पार्टीशन की उस गलती की वजह से एक इस्लामिक स्टेट का शिकार बन चुके थे। और ऐसी घटनाएं मैं अगर अब रेज कर रहा हूं उसका मतलब ये नहीं कि पहली बार उठ रही है और ऐसी भी नहीं कि भविष्य में उठना बंद हो जाएगी, लेकिन उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उस पर भी बात करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहता हूं कि आज रात को मैं लाइव आने वाला हूं। और क्यों लाइव आने वाला हूं? एक व्यक्ति ने, एक मुस्लिम युवक ने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर, कि ये 3-4 सवाल हैं, आप इसका जवाब लाइव में दे सकते हैं तो दे दीजिए। तो मैंने उस वक्त उन्हें कुछ नहीं कहा, मैंने बोला कि हर बात पे तो जवाब लाइव आके नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाँ इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तो आज मैं लाइव आ रहा हूँ उसका जवाब देने के लिए, और फिर अगर मैं जवाब दूंगा तो आपसे भी कुछ प्रश्न उठाऊंगा ज़रूर, तो उसके लिए आप लाइव जरूर आइएगा। अब वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक घटना होती है, क्या होती है बताता हूँ। हरी नामक एक हिंदू व्यक्ति अपने आप को इसलिए कोस रहा है कि वो एक नॉन मुस्लिम है और एक इस्लामिक स्टेट में रह रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी बेटी को, 22 साल की बेटी को 2 नवंबर को कुछ लोग आर्म्ड मैन, मतलब कि हथियारों के साथ कुछ लोग उठा के ले जाते हैं किडनैप करके, उसके साथ कई दिन तक गैंग रेप करते हैं बहुत ब्रूटली, और उसको फिर छोड़ जाते हैं और वो हार्डली चल फिर पा रही है, बहुत बुरी हालत है। आपको मैं वीडियो भी दिखाता हूँ, लेकिन यूट्यूब के पॉलिसी रीजंस की वजह से मैं दिखा नहीं सकता। अपडेट देख सकते हैं 29 नवंबर 2020 की ये न्यूज़ है, एक तरीके से मतलब रिपोर्टिंग की गई, उससे पहले की बात होगी। इस पर बात करने के 2-3 कारण थे मेरे पास। पहला कारण तो सबसे पहले जो नज़र में आया कि नीचे लोगों ने ट्विटर के कमेंट में लिखा हुआ था इस व्यक्ति के, कि कोई मीडिया क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाती, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई इंडियन मीडिया, कोई ग्लोबल मीडिया। अब उनके ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स कहाँ चले गए, उनके जो ह्यूमन राइट के संरक्षक थे कहाँ चले गए, जो सेक्युलरिज्म के संरक्षक थे कहाँ चले गए, जो डेमोक्रेसी के, जो ह्यूमैनिटी के, ये सब कहाँ चले गए, जो गार्ड्स थे, जो गार्डियंस थे कहाँ चले गए? ये तो मेरा सवाल भी होना चाहिए और आपका भी। ये पाकिस्तान की उन घटनाओं में से एक नहीं है जो बहुत दिन में से 1-2 बार रिपीट की जाती है, ये पाकिस्तान की आम घटना है। वहाँ आए दिन अबडक्शंस होते हैं, गैंगरेप्स होते हैं, कन्वर्जेंस होते हैं, इसीलिए आबादी हिंदुओं की या नॉन मुस्लिम्स की, क्रिश्चियंस की भी कम हो रही, सिखों की भी कम हो रही, तो वो लोग कम होते जा रहे हैं और वहाँ पे मुसलमान 97% पे आ चुका है। मैं इस वक्त पाकिस्तान के जनरल सिटीजन से ये मैं कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकता या उन्हें कोई सजेस्ट नहीं कर सकता, उनसे सवाल नहीं पूछ सकता, क्योंकि वहाँ उनकी नॉर्मल रेगुलर मेंटालिटी का ये हिस्सा है कि यहाँ पे अगर रेप होता है नॉन मुस्लिम्स का पर्पजली तो ये अलाउड है, क्योंकि मतलब आपको हिदायतें दी गई हैं, आपको पता है, आप कहीं से पढ़ के आए हैं, आप वो कर रहे हैं जैसे आपके प्रिंसिपल्स हैं। कंट्री इसलिए फॉर्म की थी कि अगर थोड़े भी नॉन मुस्लिम्स बच गए तो उनके ऊपर हम वो सारा निकालेंगे फ्रस्ट्रेशन जो पिछले 100 साल से अंग्रेजों के जाने के बाद नहीं निकाल पा रहे थे, और भारत में मौका नहीं मिला। तो जो यूपी और बिहार के जो मुसलमान थे जिन्होंने मेजॉरिटी में वोट देके पाकिस्तान का पक्ष लिया, अब वो ऐसा कर रहे हैं, जिनमें से उनमें जो कुछ लोग चले गए थे और जो लोग ऑलरेडी उस प्रांत में रह रहे थे पूरे पाकिस्तान के उस हिस्से में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आखिर हो भी क्या सकता है? डिप्लोमेटिक लेवल पर कुछ नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी आज की गवर्नमेंट को अगर मैं सजेशन दूँ भी जिससे सॉल्यूशन निकल भी सकता है, कि आप एक बार में टाइट करिए, चाहे फ़ोन करके चाहे इंटरनेशनल प्रोसेस से, कि अगर एक भी केस निकल के आया तो हो सकता है कल से रिपोर्टिंग बंद हो जाए और ये केसेस ना आए, लेकिन चुपके चुपके ये काम होता रहे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर प्राइम मिनिस्टर या इंडिया एक ऑफिशियल स्टैंड लेता है कि अगर पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ या एंटी या नॉन मुस्लिम के खिलाफ कुछ भी होता है तो भारत स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है, ग्लोबली अटैक भी कर सकता है। ये स्टैंड तो मुझे नहीं लगता हमारे प्राइम मिनिस्टर कब लेंगे, सरकारें कब लेंगी, मुझे नहीं पता। समाज क्या एक्शन ले सकता है, मुझे बाला साहेब ठाकरे की वो लाइन याद आ रही है जब शायद केदारनाथ की बात थी कि बहुत बम ब्लास्ट होते थे वगैरह वगैरह,
कोई ऐसे ही यात्रा ही थी कोई पहाड़ी इलाके से, तो आतंकवादियों का बहुत वहाँ पे वो था। तो बाला साहब ठाकरे ने एक बात कही कि अगर हमारे हिंदू यात्रियों को जरा सी भी तकलीफ दी और एक बम ब्लास्ट भी किया तो याद रखना उस साल भारत की धरती से कोई मुसलमान हज करने नहीं जा पाएगा, सुरक्षित नहीं जा पाएगा, और उस वक्त कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ। ये स्टैंड हमारे आज की हिंदू पॉलिटिक्स को और हिंदू समाज को और नेशनलिस्ट कम्युनिटी को लेना पड़ेगा कि अगर भारत के बाहर यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश या किसी भी इस्लामिक कंट्री में हिंदुओं के साथ कुछ हुआ तो जो सो कॉल्ड तुम्हारे लोग हैं जो उमा की कनेक्टिविटी से तुम्हारे टच में रहते हैं उनके साथ भी वो होने की संभावना है जो तुम करोगे हमारे लोगों के साथ वहां पे। पहला सॉल्यूशन तो ये है। सॉल्यूशन नंबर दो, वहां की जो भी जनता है वो आज की डेट में भी अगर उसके इतनी पॉसिबिलिटी है उसकी इतनी क्षमता है तो वो इंडिया में आ जाए, जितने भी बचे हैं आ जाए, यहाँ पे आ जाए, कम से कम उन चीज़ों का शिकार होने से वो बच जाएंगे। आप भाड़ में जाए वहाँ पे आपकी कितनी ज़मीन है कितनी प्रॉपर्टी है, अगर आपका परिवार सुरक्षित नहीं, आए दिन रोज़ आपकी बेटियों के रेप ही हो रहे हैं, तो आप तिल तिल के मरने से अच्छा एक बार यहाँ आइए, समाज आपको आर्थिक सहायता देगा, आप फिर से स्टेबल हो सकते हैं। तो या तो हम साम दाम दंड भेद में से कोई तरीका अपनाएं और वहाँ पे चल रही प्रताड़ना को रोकें या फिर हाथ पे हाथ धर के बैठे। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है जो जनता देख रही है कि आप कितनी बड़ी कम्युनिटी से ये मेरी बात शेयर करने वाले हैं और इन लोगों के प्रति कोई एक्शन हो इसकी डिमांड करने वाले हैं। वीडियो चले तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि बात दूर तक जाए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में या सुझाव कोई हो तो कमेंट में बताइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।